जिस जिस राज्य के अंदर ये चुनाव हारेंगे ये लोग वहां पे सरकार ही नहीं बनने देंगे। भारतीय जनता पार्टी जो प्रयोग सबसे पहले दिल्ली में करती है, एलजी का प्रयोग दिल्ली में किया, सीबीआई का प्रयोग दिल्ली में किया, एसीबी का प्रयोग दिल्ली में किया, फिर पूरे देश में किया। सबसे मजेदार बात यह है, मैंडेट आम आदमी पार्टी का है, दिसंबर से है, रूल भारतीय जनता पार्टी एलजी के थ्रू कर रही है, इलीगली कर रही है, तो कौन चाहेगा कि ये रूल चलता रहे? भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपना इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो रूल है वो दिल्ली पे एमसीडी पे चला रही है। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज, एडजर्न कर दिया गया हाउस, क्या कारण रहा? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी का ये ढर्रा साफ समझ में आ गया, जिस जिस राज्य के अंदर ये चुनाव हारेंगे ये लोग वहां पे सरकार ही नहीं बनने देंगे, अपनी मर्जी से टेम्परेरी मेयर बनाएंगे और इसी तरीके से राष्ट्रपति शासन में जो है ये सरकारें चलाएंगे। ये एक प्रयोग है भारतीय जनता पार्टी, जो प्रयोग सबसे पहले दिल्ली में करती है, एलजी का प्रयोग दिल्ली में किया, सीबीआई का प्रयोग दिल्ली में किया, एसीबी का प्रयोग दिल्ली में किया, फिर पूरे देश में किया। अब ये प्रयोग भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कर रही है कि अगर आप चुनाव हार जाएं तो आप सरकार ही ना बनने दें और गवर्नर के माध्यम से, राष्ट्रपति के माध्यम से अपनी सरकारें वहां चलाएं। ये वो प्रयोग शुरू हुआ। कारण क्या रहा, क्यों एडजर्न करना पड़ा? बीजेपी के प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के काउंसिलर्स डेस्क पे चढ़ गए, हंगामा करने लगे, गाली गलौज करने लगे, इस वजह से एडजर्न करना पड़ा। देखिए, सबसे मजेदार बात यह है, मैंडेट आम आदमी पार्टी का है, दिसंबर से है, रूल भारतीय जनता पार्टी एलजी के थ्रू कर रही है, इलीगली कर रही है, तो कौन चाहेगा कि ये रूल चलता रहे? भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपना इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो रूल है वो दिल्ली पे एमसीडी पे चला रही है। एल्डरमैन की वोटिंग को लेकर हंगामा शुरू हुआ? बीजेपी ने ऐसे ही हंगामा शुरू किया, बिना किसी बात के हंगामा शुरू किया।